जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। इसके लिए मैंने ली है एक लौकी और ये मेरे छत पे ही लगी थी, एकदम ताज़ी लौकी है, तो इसको दो भाग में काट लिया है मैंने। थोड़ी बड़ी लौकी है ये और अब हम इसका छिलका हटा लेंगे, अच्छे से छील लेंगे इसको। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। और देखिए मैंने दोनों टुकड़ों को लौकी के छील लिया है और अब इसके हम जो बीज वाला भाग है उसको निकाल देंगे, क्योंकि हलवे में जो बीज है वो अच्छे नहीं लगते। और अगर आपके पास पतली लौकी है जिसमें बीज नहीं है तो आप ऐसे ही किस लीजिए, लेकिन मेरी बड़ी लौकी थी ये तो मैं इस तरह से सारे इसके बीज वाला जो भाग है वो निकाल दूंगी। तो मैंने सभी इस तरह से काट लिए हैं बीज निकाल के और अब हम इसको देखिए इतना सारा ये निकला है छिलका और बीज, और अब हम इसको किस लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा ये मोटा है और हम सारी लौकी को इस तरह से किस लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं इसका पानी नहीं निचोड़ूंगी और ये जो कहीं कहीं के बीज रह गए हैं वो मैं हटा दूंगी। एक दो महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो अब मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूंगी। और अब इस लौकी को हम भून लेंगे, तो मैंने कढ़ाई में घी डाला है 3 से 4 चम्मच, देसी घी डाला है घर का बना हुआ है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। और अब हम लौकी को अच्छे से भुनेंगे, तो इसको भुनने में टाइम लगता है कम से कम 10 से 15 मिनट। अच्छे से हम हिलाते रहेंगे और भुनेंगे। तो देखिए थोड़ा सा लौकी का कलर भी चेंज होने लगा है, ये थोड़ी सी पक गई है। कम से कम 80% लौकी हमारी इस तरह से पक जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध, तो ये मैंने 1/2 किलो दूध डाला है मलाई सहित। और अब इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। और अगर आपको लौकी की खीर पसंद है तो आप इसी स्टेज पे शक्कर भी डाल दें आपके स्वाद के अनुसार और थोड़ा पकने दें 5 मिनट और आपकी खीर तैयार हो जाएगी। लेकिन हमें हलवा बनाना है तो हम इसको दूध को ओटने देंगे। और दूध डालने के बाद मैंने आँच तेज कर दी है और इसको हम 10 से 15 मिनट या जो दूध है ये सूखने तक हम इसको भुनेंगे, एकदम गाढ़ा करेंगे। तो देखिए इस तरह से 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से ये हलवा दिखने लगा है। अभी और इसको भुनना है, ये थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा है इसमें और मलाई डालने के कारण देखिए ये दाने दाने दिख रहे हैं। और अब परफेक्ट हमारा हलवा बनके तैयार है।
देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और ये दाने दिख रहे हैं, दूध जो हमारा उड़ गया है। और अब हमने डाल दी है शक्कर, तो शक्कर भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ एक कटोरी शक्कर डाली है, ये थोड़ी सी मैंने और डाल दी। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद हो तो कम डालें। और अगर मावा डालना चाहे तो अभी आप इसी समय मावा भी डाल लें, लेकिन हमने दूध मलाई सहित डाला था, तो देखिए थोड़ा थोड़ा मावे जैसा दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और शक्कर डालने के बाद ये फिर गीला हो जाता है, तो हम इसे फिर से भूनेंगे 5 मिनट। हमें लगातार चलाना है इसको, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो इसको आप लगातार चलाते रहें। और आँच मीडियम कर दी है मैंने। ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, देखिए अब इस तरह से दिखने लगा है। वो बहुत ही बढ़िया इसका जो टेक्सचर है, देखिए और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और इस स्टेज पे हमने इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह पसंद है, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला है। तो घी डालने के बाद देखिए हलवे में और चमक आ गई है थोड़ी, और अच्छा दिखने लगा है। और बस अब मैं गैस बंद कर दूंगी और कढ़ाई गर्म है, तो थोड़ी देर और इसको हम चलाएंगे। देखिए और अब बस ये बिल्कुल बनके तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकाल लिया है मैंने सर्व करने के लिए, और बादाम से गार्निश कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और बताइएगा कैसा बना है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।